राम मंदिर जिसे बनने का सपना करोड़ों लोगों ने देखा था और लाखों लोगों ने अपना बलिदान दे दिया और मंदिर बनने का सपना देखते देखते कई पीढ़ियां गुजर गईं। अब वह दिन आ गई है जब 22 जनवरी को प्रभु राम उस भव्य राम मंदिर में विराजमान होंगे और प्रभु राम को उस भव्य मंदिर में देखने के लिए हमारे अनेकों पूर्वजों ने अपनी बलिदान दिया था, उन सबका सपना पूरा होगा और हम सभी उस सौभाग्य पीढ़ी में से एक है जो प्रभु राम को झोपड़ी में नहीं बल्कि भव्य मंदिर में विराजमान होते देखेंगे। 22 जनवरी को राम मंदिर उद्घाटन के लिए पूरी अयोध्या सजाई जा रही है, राम भक्तों द्वारा ढेर सारी उपहार दिए जा रहे हैं और उद्घाटन में कुछ ऐसे ऐसे काम किया जा रहा है जो आज तक कहीं नहीं किया गया है, जो खुद में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। तो चलिए राम मंदिर में आए उपहार को देखते हैं। इससे पहले आप कमेंट में जय श्री राम लिखे और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले। पहला, 108 फीट लंबी अगरबत्ती। राम मंदिर उद्घाटन के दौरान 108 फीट लंबी अगरबत्ती को जलाया जाएगा जो करीब 1.5 महीने तक जलती रहेगी। इस अगरबत्ती को गुजरात वडोदरा के गोपालक विहा भाई भरवाड़ ने बनाया है। ये अगरबत्ती 3500 किलो का है। इसे बनाने के लिए पंचगव्य हवन सामग्री के साथ गाय के गोबर का इस्तेमाल किया गया है जिसे अयोध्या पहुँचाने के लिए रवाना कर दिया गया। दूसरा, 2100 किलो का घंटा। राम मंदिर में 2100 किलो बजनी विशाल घंटे को लगाया जाएगा। मंदिर में लगने वाले यह घंटा 15 फीट लंबा और 5 फीट चौड़ा है। अष्ट धातु से बने इस घंटे को अयोध्या के एटा जिले में बनाया गया है जिसे बनाने में करीब 21 लाख का खर्च आया है। तीसरा, 3000 टन चावल। भगवान श्री राम के ननिहाल छत्तीसगढ़ से 3000 टन चावल अयोध्या लाया गया। इस चावल को राम मंदिर उद्घाटन में भगवान राम को भोग लगाया जाएगा और 22 जनवरी को आने वाले श्रद्धालुओं के लिए भंडारा की व्यवस्था की जाएगी। चौथा, मेवा। भगवान राम के ससुराल जनकपुर से मेवा भेजी गई है। नेपाल के जनकपुर से वस्त्र फल मेवा 5 जनवरी को अयोध्या पहुंच गया। इसके साथ उपहार से सजी 1100 चांदी की थाली राम को भेंट स्वरूप भेजे गए। इसके अलावा नेपाल से आभूषण बर्तन कपड़े और 56 प्रकार की मिठाइयाँ दही मक्खन भी भेजी गई है। पांचवा चरण पादुका। भगवान राम के लिए 1 किलो सोने 7 किलो चांदी से तैयार किया गया चरण पादुका जिसे राम मंदिर उद्घाटन के दिन प्रभु राम को चढ़ाया जाएगा। इस चरण पादुका को हैदराबाद के श्री चिल्ला श्रीनिवास शास्त्री ने बनाया है जिसे देश भर के प्रमुख तीर्थ स्थानों पर ले जाया जा रहा है और 19 जनवरी को इस पादुका को अयोध्या लाया जाएगा। छठा, ताला चाबी। तालों की नगरी अलीगढ़ में हाथों से बनी दुनिया की सबसे बड़ी तालों को राम मंदिर में लगाया जाएगा। 400 किलो वजनीय ताला 4.5 फीट चौड़ा और 10 फीट ऊंचा है जिसे अलीगढ़ के बुजुर्ग सत्यप्रकाश शर्मा और उनकी पत्नी रुक्मिणी देवी ने हाथों से बनाया है। सातवां, नगारा। अहमदाबाद में 450 किलो का विशेष नगारा को बनाया गया है जिसे मुख्य मंदिर में बजाया जाएगा। अखिल भारतीय डगवर समाज द्वारा बनाया गया यह नगाड़ा में सोने और चांदी की परत चढ़ाई गई है जिसे राम मंदिर उद्घाटन में अयोध्या लाया जाएगा। आठवां, हवन कुंड। राम मंदिर उद्घाटन में सरयू नदी के किनारे 25,000 हवन कुंड बनाया गया है और 1,008 शिवलिंग को स्थापित किया जाएगा। नौवां, 600 किलो घी। जोधपुर से ओम श्री श्री महर्षि संदीप ने रामधर्म गौशाला से 600 किलो गाय की घी को राम मंदिर भेजा गया जिससे भगवान श्री राम की पहली दीप जलाया जाएगा और हवन में इस्तेमाल किया जाएगा। दसवां, घड़ी। 9 देश का समय बताने वाली घड़ी को लखनऊ के रहने वाले अनिल कुमार साहू द्वारा राम मंदिर में उपहार स्वरूप दिया गया। इस घड़ी में एक ही सुई मिनट घंटे और सेकंड का समय बताती है। यह घड़ी विश्व की पहली घड़ी है जो 9 देश का समय एक साथ बताती है। 11वां, 156 देश का जल। भाजपा के वरिष्ठ नेता विजय चौली साहब ने करीब 126 देश के जल को इकट्ठा किया है जिससे 22 जनवरी को रामल्ला का जलाभिषेक किया जाएगा। 13वां, 1100 किलो का दिया। गुजरात के वडोदरा से दुनिया का सबसे बड़ा 1100 किलो का दिया वडोदरा से अयोध्या लाया गया। 14वां, 25 लाख दीप। 22 जनवरी को राम मंदिर उद्घाटन में 25 लाख दीपों से अयोध्या को सजाया जाएगा। इस तरह से राम मंदिर उद्घाटन होगा। जय श्री राम।